अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो कुछ ख़ास मनाज़र लेकर आए हैं, ये एक आम सी बर्गर और पिज़्ज़ा शॉप के हैं जो आपको किसी भी गली मोहल्ले में नज़र आ सकती है, किसी भी शहर में नज़र आ सकती है। ये जो देखने में बड़े मज़ेदार बर्गर दे रहे हैं, मज़ेदार पिज़्ज़े दे रहे हैं, उनमें से कोई कोई दुकान ऐसी भी हो सकती है। अब ये जो हालात हैं, अगरचे पंजाब में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है, क्योंकि पंजाब में ये जो स्ट्रीट फूड है, इसकी बेहतरी के लिए जो डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी हैं रफाकत नसवाना साहब, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इसके लिए मॉडल फूड्स कार्ट भी इसके लिए डिज़ाइन करवाए हैं उन्होंने, और वो मुफ्त बांट भी रहे हैं और इसको फैला भी रहे हैं। उसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी जा के चेक भी करती है, लेकिन सिर्फ पंजाब ही तो पूरा पाकिस्तान नहीं है। ये जो इस तरह की दुकानें हैं, यहाँ पे किस तरह का खाना मिलता है, वो जो मैं कहता हूँ जितना गलीज उतना लजीज, उस पर इसी तरह के रेस्टोरेंट, इसी तरह के जो फूड स्टॉल हैं, उन पर ये मुहावरा सादिक आता है। अब ज़रा अंदर आइए। सबसे पहले तो आप देखें कि आपको इस रेस्टोरेंट की जो अंदर प्रोडक्शन एरिया है, उसकी दीवारें देखें। जगह जगह पे दीवारों पे आपको पान की पीकें नज़र आ रही हैं। इसकी छत देखिए, छत पे आपको जाले नज़र आएंगे, उनके अंदर जालों के अंदर मकड़ियां नज़र आएंगी, और उन्हीं जालों के नीचे फर्श पर आपको एक बड़ा कंटेनर नज़र आएगा जिसमें हाफ डन फ्राइज़ रखे हुए हैं। उन फ्राइज़ के अंदर यही पेंट गिरा हुआ नज़र आएगा। फिर उसके जो स्टेनर्स हैं, वो स्टेनर्स आपको नज़र आएंगे जिसके अंदर मैल कुचैल डिपॉजिटेड है, जमा हुई हुई है, बल्कि ऊपर जम चुकी हुई है। फिर थोड़ा सा आगे आए, अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही तकलीफ दे, आपको एक बहुत ही खौफनाक आपको एक चीज़ नज़र आएगी। वो क्या है? वो है ये जो फ्रेंच फ्राइज़ आपने देखे हैं, इनका फ्रेंच फ्राइज़ का ये जो स्लाइसर है, जो फ्रेंच फ्राई, जो आलू जिसमें रख के दबाते हैं और फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये जो दीवार के साथ फिक्स हुआ हुआ आपको ये फ्रेंच फ्राइज़ मेकर स्लाइसर डाइसर जो है, ये आपको नज़र आ रहा है। ज़रा इसकी हालत देखिए, जिसे साल हा साल से, जब से ये इस दीवार के साथ फिक्स किया गया, कभी धोया ही नहीं गया। इस हद तक गंदा और गलीज है कि इसे देखकर ही कह आनी शुरू हो जाती है। आप वो देख लें, फिर आगे आइए। आपको ये एक बड़ा सा ड्रम नज़र आ रहा है। इस ड्रम को अंदर से जब आप देखते हैं तो ये सारा जंग आलूद और गलीज है अंदर से। ये ड्रम किस काम आता है? ये ड्रम इस काम आता है कि जो आलू लाए जाते हैं, वो आलू इस ड्रम के अंदर डाल के बटन दबाया जाता है, ये अंदर तेज़ी से आलू घूमते हैं और उनके छिलके जो है वो उतर जाते हैं, और ये फिर इनका चूंकि स्केल बड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं, क्योंकि इनका जायका मशहूर है, जो मैंने बात की हुई है कि जितना गलीज उतना लजीज, वो इन पे हूबहू सादिक आता है। तो अब इतने लजीज के लिए जब लोग आते हैं तो वो इस मशीन में आलू डालते हैं, उसके बाद एक आपको लाल रंग का एक डब्बा नज़र आता है, एक डोंगा सा नज़र आता है, ये इससे पानी डालते हैं। ये वाला डोंगा जो है, ये बाथरूम के लोटे को भरने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ उस पानी से यहाँ पे आलू डाल के ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं। हमारे सामने तो उसने ये कर दिया कि एक जो बॉटल भरी हुई लाया था साफ़ पानी की, वो डाल दी, लेकिन हम अगर ना होते तो वो दूसरा पानी ही इस्तेमाल करता। अब उससे उसने ये डालना है, वहाँ से आलू छीले जाएंगे, फिर इस गलीज तरीन
डाइसर में रखेंगे, उससे फ्राइज़ बनेंगे। उसके बाद जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ये फ्राइज़ बनते हैं, ये वो वाला खुला कुकिंग ऑयल है जो हम आपको पहले भी कई जगहों पे बता चुके हैं, जो कि सोप ग्रेडेड है, जो कि पाम ऑयल है, जो कि साबुन बनाने के नाम पर मंगाया जाता है, ये वो वाला ऑयल है जो हमारी खून की जो शरियाने हैं उनको ब्लॉक करता है, उसके अंदर कीचड़ भर देता है, उसके अंदर खून की रवानी को मुतासर करता है, दिल के अमराज का बायस बनता है और हमें फालिज का बायस बनता है, ब्रेन हेमरेज का बायस बनता है, वो इस तरह का घटिया ऑयल है। फिर ये उसमें फ्राई होता है। फिर इसके साथ ही आप ज़रा फ्रीज़र देख लीजिए, आपके घर में भी फ्रीज़र होगा। अब उस फ्रीज़र में आप देखें कि नीचे का भी कीचड़ तो जमा नहीं होता, क्योंकि फ्रीज़र का टेम्परेचर कम होता है, जितना ज़्यादा कम होगा अंदर जमा रहेगा, लेकिन अगर उसकी कूलिंग ठीक ना हो तो उसके अंदर कीचड़ डिपॉजिट हो जाता है। तो अब इसमें आप ये देखें कि उसके अंदर ये जो ट्रे है जिसमें कीमा भी है, जिसमें गोश्त भी है, इसके ऊपर फंगस भी लग चुकी है, इसके ऊपर काला स्याह भी हो चुका है, ये गंदा गलीज और बदबूदार भी हो चुका है, ये सब कुछ इसी फ्रीज़र के अंदर है। यहाँ से निकालेंगे, इससे बर्गर पैटीज़ बनाएंगे, इससे गोश्त काट के तो पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, तो ये सारा कुछ इसके अंदर से निकालेंगे। अंदर गंदी गलीज सब्ज़ियाँ भी हैं और इसी कीचड़ के अंदर ये कंटेनर भी पड़े हुए हैं। तो अब नीचे अगर तय में कंटेनर है, तो अगर ये एक कंटेनर है और ये नीचे तय में पड़ा हुआ है और नीचे सारा वो कीचड़ है, गलीज तरीन है, बदबूदार है, तो जब आप इसको नीचे से उठाएंगे तो नीचे से तो ये सारा आलूदा हो चुका होगा, और अगर इसको हम ऊपर नीचे तीन चार कंटेनर इसी तरह रख दें तो इसके नीचे से जो पानी टपकेगा, जो आलूदा और गलीज पानी होगा, वो नीचे वाले गोश्त को और उन उस मटेरियल को जो हमने पिज़्ज़े में इस्तेमाल करना है उसको भी ख़राब करेगा। और ये उसी तरह ये निकालेंगे, उसको ज़ाया नहीं करते, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर इंसानों को तो ज़ाया कर दिया जाता है, ये अपने इस तरह खाने पीने की अशिया को ज़ाया नहीं करते। तो ये लाएंगे और ला के उससे मज़ेदार पिज़्ज़े भी बनाएंगे, उससे मज़ेदार बर्गर भी बनाएंगे। और बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, आगे आ जाइए। इसी प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही आप ज़रा नीचे फर्श की हालत देखिए, जगह जगह पे टूटा हुआ, अंदर कीचड़ जमा, अंदर गलाजत जमा, अंदर गटरों का पानी अंदर जमा, और उसके अंदर चिप्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है, उसके अंदर काम किया जा रहा है, उसके अंदर आपको यहाँ पे चूहों का फुजला भी नज़र आएगा, यहाँ पे आपको मक्खियाँ भी नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको काकरोच भी नज़र आएंगे, ये सब गंदगी की पैदावार है। तो वो यहाँ पे होंगे, रात को जब ये बंद करके जाते हैं तो यहाँ पे चूहों का, काकरोचेस का राज होगा, और वो सारी इन चीज़ों पर फिरेंगे जिनको नहीं धोया जाता, और उसके अंदर ये अशिया तैयार करके आपको दी जाती हैं। इसी प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही आपको वॉशरूम भी मिलेगा। अब ज़रा वॉशरूम को भी देख लीजिए, गंदा गलीज वॉशरूम, अंदर पानी के पाइप तो लगे हुए हैं लेकिन कोई टैप नज़र नहीं आ रही, टूटी नज़र नहीं आ रही, ना लोटे के ऊपर ना दूसरी, वो तो आगे पाइपों के साथ कहीं और कनेक्टेड है, तो अंदर तो पानी नहीं है, वो बाहर जो ड्रम पड़े हुए हैं वहाँ से लोटा भर के लाते हैं लेकिन अंदर साबुन नहीं है, और लोटा भर के लाते हैं जिस डब्बे से डालते हैं, ये वो वाला डब्बा है जिससे वो आलूओं में पानी डाल रहा था जिससे फ्राइज बनने थे, और साबुन नहीं है कि हाथ धो सकें वर्कर्स उन्हीं गंदे गलीज हाथों से, और जब पानी ना हो, क्योंकि पानी की किल्लत है, जब पानी ना हो तो वहाँ से ये वर्कर्स आएंगे और उसी तरह गलीज हाथों से आके आपको मज़ेदार बर्गर और पिज़्ज़ा बना के खिलाएंगे जी। तो फिर ये आपको जायका देंगे, सेहत देंगे, बीमारियां देंगे या मौत देंगे, इसका आप तसव्वुर खुद ही कर लीजिए। इससे ज़्यादा मेरे से बयान नहीं किया जा सकता जो हालात हैं यहाँ के। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।